ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन, अपने गरुड़ और अपनी जो उनकी वाइफ थी सत्यभामा, इन तीनों का अभिमान उन्होंने कैसे तोड़ा। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और उनको रियलाइज हुआ कि ये जो उनका सुदर्शन चक्र है, उनका गरुड़ है और सत्यभामा, इन तीनों का अहंकार हो गया, अभिमान हो गया है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु का वाहन जो गरुड़ था, जो सबसे तेज उड़ता था, उसे भी अब बड़ा घमंड हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया, सीता आपकी पत्नी थी, क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए और उनको एक युक्ति सूझी। वे तो जान ही रहे थे कि तीनों भक्तों का अहंकार हो गया और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम भगवान के पास जाओ, भगवान हनुमान के पास जाओ। भगवान ने उन्होंने हनुमान वर्ड यूज किया, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा कि जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। अभी तो सुदर्शन सुदर्शन चक्र उसकी आज्ञा के बिना तो अंदर जा ही नहीं सकता है ना। अभी गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुला लाने के लिए आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र वहां पर ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता है ये बुढ़ा कब पहुंचेगा, खैर मुझे क्या, कभी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोच गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर चले, लेकिन ये क्या, महल पे पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। अब गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा महल में कैसे प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इसे क्या कोई नहीं रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने के तरीके प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, तो सुदर्शन चक्र का भी जो घमंड था वो टूट गया। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया जो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब सोचिए सत्यभामा का क्या हाल हुआ होगा। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी, उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे, तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए।
भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया, तो प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।